द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, क्या कहा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही हिमसेल्फ सेड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उन्होंने कहा वन एक्शन विच विल मेक यू ग्रेट। जिंदगी में केवल एक काम, कोई एक काम तो करो ना यार, ऐसा कोई एक काम, द वर्ल्ड विल से, द पीपल विल से, योर एनी वन से, वाह मजा आ गया यार। वन एक्शन इज जस्ट वन वर्क, वन एक्शन, क्या है वो मैं नहीं जानता, केवल एक काम, एक एक्शन होना चाहिए जिंदगी में जो आपको ग्रेट बना दे, बहुत जरूरी है अभी, बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा विजन या ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, आपकी जिंदगी का विजन या ऑब्जेक्टिव है क्या? इस पृथ्वी में जीने का मकसद है क्या? उद्देश्य है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा क्या, व्हाट यू विल बी रिमेंबर्ड फॉर। अरे भाई, हमारे जाने के बाद हमें कौन कैसे याद रखेगा? दीपक सूद नंबर वन चोर, ऐसे भी याद रख सकता है, ऐसे भी याद रख सकता है, उसमें क्या है? बट मेरी बात नहीं, अपने नाम के आगे अब आप सोचिए कि क्या लगा होना चाहिए। केवल आप ये सोचिए कि आपके नाम के आगे क्या लगा होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और यही नहीं, अनट्रेवल्ड पाथ, ही सेड यूथ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनट्रेवल्ड पाथ। लीडर्स या आज का यूथ क्या चाहता है? वो अलग ट्रेवल्ड पाथ नहीं, वो अपना अलग पाथ क्रिएट करता है, अनट्रेवल्ड पाथ, आउट ऑफ द बॉक्स थॉट, बिल्कुल अलग सोच के साथ आज आप जी सकते हो, एक नया, एक नई जिंदगी, नया रास्ता आप अपने लिए आज खोज सकते हो। और आप लोगों को पता हो नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, ये पिछले 9 महीने में इंडिया ने क्या क्या रिकॉर्ड बनाया पता है हमें से किसी को? इंडिया रिकॉर्ड बनाया, मेरे ख्याल से नंबर 2 पे है अभी, जो हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीपीई किट इन द वर्ल्ड। इतनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है इंडिया में पीपीई किट की, जो डॉक्टर्स, जो आज पैरामेडिकल स्टाफ के लिए नंबर 2 पे पहुंच गया हिंदुस्तान, इतनी मैन्युफैक्चरिंग। मास्क जो इंडिया में कभी बने ही नहीं थे, 130 करोड़ लोग आज यूज कर रहे हैं, और एवरीडे चेंज, पता है आपको, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, जस्ट इमेजिन, कई रिकॉर्ड इंडिया ने बना दिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केवल यहां पे। अनट्रेवल्ड पाथ, जो आज तक था ही नहीं हिंदुस्तान में, वो भी एक नई चीज की शुरुआत। मैं कल विस्तारा से आ रहा था, उन्होंने मुझे पहनने के लिए शील्ड दी, तो मैंने 4 बार शील्ड को देखा, मैं कहा थैंक यू यार, ये भी हिंदुस्तान ने बना लिया रिकॉर्ड में, कि हर व्यक्ति आज शील्ड पहन के चल रहा है। It's not about कि कोविड ने हमें सब कुछ गलत दिया, बट कितना कुछ एक अलग दिया, अनट्रेवल्ड पाथ बनता ही नहीं था, शील्ड बनी नहीं हिंदुस्तान में, और आज हर व्यक्ति प्रोटेक्शन के लिए किस तरीके से उन चीजों को यूज कर रहा है। यही नहीं, उन्होंने कहा यू एंड एवरीवन एल्स, हो कौन कैसे याद रहोगे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू, हर यूथ, हर व्यक्ति एक यू बनना चाहता है, अपनी आइडेंटिटी चाहता है, फेम चाहता है, सक्सेस चाहता है, बट आज अभी मैं 3 घंटे जैसे आपकी ट्रेनिंग करूंगा, ये करूंगा, आप ऐसे हो जाओगे, बट जैसे यहां से बाहर जाओगे आप कहोगे आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जैसे ही आप बाहर जाओगे, लोग पानी की बाल्टियां ठंडी लेके वेट कर रहे हैं, आज साले तेरी आग को मैं अभी बुझाता हूं। आप बाहर जाके डाउनलाइन को कहेगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, डाउनलाइन ले बेटे 6 पानी की बाल्टियां, तू साले आग बुझा तेरी। यू एंड एवरीवन एल्स, लोग यू बनना चाहते हैं, यू मतलब आपके बारे में बात कर रहा हूं, आप खुद बनना चाहते हो, बट दुनिया आपको घसीटना चाहती है, आपको एक ऑर्डिनरी लोग व्यक्ति बनाना चाहती है यार, ऑर्डिनरी व्यक्ति, एवरीवन एल्स, करोड़ों की भीड़, क्या बनना है आपको? मुझे नहीं पता, ये आप डिसाइड करोगे, आपकी जिंदगी है, मैंने तो अपनी जिंदगी के लिए डिसाइड किया हुआ है। यू एंड एवरीवन एल्स, 4 यूनिक टूल्स, 4 यूनिक टूल्स, 4 यूनिक टूल्स। नहीं, उन्होंने कहा 4 चीजें आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। पहला क्या है? सेट द गोल, एक गोल बनाओ, और गोल मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं गोल बनाओ, वो सीधा लिखते हैं दीपक जी मर्सिडीज बेंज लेनी है,
अरे भैया यहाँ 5 लाख रुपए का चेक, अरे गोल नहीं भाई, पहले छोटे गोल बनाओ। मैं अपनी फैमिली को गोवा लेके जाऊंगा, मैं 5-स्टार होटल में लंच पे लेऊंगा, मैं मोबला का पेन खरीद के अपने बेटे को गिफ्ट करूंगा, कुछ ऐसे गोल, स्मॉल लिटिल गोल, 50,000-1 लाख रुपए तक के, जो आप खर्च सको। शुरुआत एक छोटे से करो, 5 लाख आएगा चिंता नहीं, वो 3 साल का गोल, 5 साल का गोल, 10 साल का, ये अलग गोल्स, राइट, बट यू शुड हैव गॉट स्मॉल स्मॉल गोल्स। छोटे छोटे गोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी जिंदगी में, और वो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा देते हैं, राइट। आप कभी लिख के दो कि मैं अपनी फैमिली को 5-स्टार होटल में डिनर पे लेके जाऊंगा, मे बी फ्राइडे को। अब आप जिस दिन ये काम करोगे ना, जिस दिन 5-स्टार होटल में घुसोगे, एक अलग ही फील होगा आपके अंदर, यू विल बी फीलिंग वाओ। ये आपके कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ा देगा कि बड़े से बड़ा गोल आपको बहुत छोटा लगने लग जाएगा। एंड स्टार्ट विथ स्मॉल गोल्स, नॉट बहुत बड़े बड़े। दूसरा उन्होंने क्या कहा, एक्वायर द नॉलेज कंटिन्यूसली, कीप ऑन, नॉलेज को बढ़ाते रहो, वेरी इंपॉर्टेंट, रुकना नहीं है, लर्निंग इज अ प्रोसेस, कीप ऑन। तीसरा उन्होंने कहा, हार्ड वर्क विद डिवोशन। डिवोशन का मतलब क्या होता है, समर्पण, निस्वार्थ। हम लोग डाउनलाइन का फोन आ जाए तो क्या कहते हैं, 4 बार फोन कर दिया इसने, निस्वार्थ, हार्ड वर्क विद डिवोशन। आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज द वैल्यू इन यू, व्हाट इज द वैल्यू इन यू। अभी तक जो आप जी रहे हो वो कैसी वैल्यू लेके जी रहे हो आप, वो कैसी वैल्यू है आपके पास, जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो या जिसका भी नाम आप लेते हो, गिन के। निस्वार्थ तो वो होता है जब आपको सोचना ना पड़े, जब आपके मन में लालच ना हो, जब आप किसी के प्रति गलत ना सोचो, और मतलब जिसको कहते हैं कि कुछ बिना सोचे समझे आप सब कुछ दे दो। ऐसा ही तो करना है यार हमें जिंदगी में, हार्ड वर्क विद डिवोशन। मैंने नहीं कहा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा, उन्होंने कहा अगर करना है तो कुछ ऐसा करो ना। उन्होंने वर्ल्ड की, इंडिया के लिए एक ऐसा काम किया, उनको कुछ नहीं मिला, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बाद उनको कुछ नहीं मिला, बस एक कैपिटल एप्रिसिएशन, वेरी गुड, अच्छा किया, दैट्स ऑल। और आते से ज्यादा को वो पिक्चर नहीं बनती तो शायद पता भी नहीं होता हिंदुस्तानियों को। तो जस्ट इमेजिन, हार्ड वर्क विद डिवोशन। अगर जिंदगी में कुछ करना है और एक्सपेक्टेशन से करना है कि मैं ये कर रहा हूं मीनल मेरे लिए ये करेगी, फायदा क्या उस चीज का, फिर उस चीज का फायदा क्या। और उन्होंने यही कहा, अगर कुछ करना है ना अब इस जिंदगी में तो निस्वार्थ करो। अब दुनिया को, लोगों को, लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए अब कुछ करो। और यही COVID-19 ने मुझे सिखा दिया। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कि एज आई सेड, जो लोग मर गए क्या उनमें कोई कमी थी, क्या उनकी वैल्यू ऑफ योर लाइफ कम थी, या आज आपको मैं 3 घंटे में बता दूंगा कि आपकी वैल्यू ऑफ लाइफ क्या है। एंड दैट्स द फैक्ट।